हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिस प्राइवेस चेक इस वाले टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और आप इसका काली लेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने सिस्टम में किसी करप्टेड फाइल को फाइंड करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसी करप्टेड फाइल है जो कि किसी दूसरे पर्सन को आपके सिस्टम का एक्सेस दे सकती है, तो उस टाइप की फाइल को ये फाइंड करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। अब दोस्तों, ये सब कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर केवल दो ही कमांड है। इस दोनों कमांड का यूज़ करके आप अपने सिस्टम से रिलेटेड या किसी दूसरे सिस्टम से रिलेटेड जो भी करप्टेड फाइल है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का दो ही तरीका, एक है स्टैंडर्ड मोड और दूसरा है डिटेल मोड। दोस्तों, दोनों का काम लगभग सेम है। स्टैंडर्ड मोड में होता क्या है, हमको जल्दी स्कैन करके फाइल मिल जाती है और उसके अंदर जो भी अगर कुछ हार्मफुल चीज़ होगी तो हमें वार्निंग के रूप में दिखाई दे जाती है। डिटेल में क्या होता है, सेम काम ही किया जाता है लेकिन काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ में जाया जाता है। तो डिटेल वाला ऑप्शन जब यूज़ करेंगे आप, तो उसमें स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि डिटेल में स्कैनिंग करेगा तो अब टाइम तो लगेगा ही। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है कि उन्हीं सब फाइल को जल्दी जल्दी स्कैन किया जाता है। अगर सिस्टम को या स्टूल को कुछ उसके अंदर, हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपके सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है तो हमको वार्निंग के रूप में दे देता है। तो चलिए मैं इसका आपको कमांड टाइप करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल का नाम देना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पर कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अरे रुकिए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दो मोड हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक डिटेल। तो मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड मोड ले लेता हूँ, STANDARD। अब दोस्तों, इतना लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये आपके सिस्टम को स्कैन करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे के सिस्टम को यहाँ पे चेक करें तो आप उस सिस्टम का IP दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी एंटर मार देंगे तो ये केवल आपके सिस्टम को चेक करेगा, लेकिन अगर आपको दूसरे को चेक करना है तो यहाँ पे आपको दूसरे सिस्टम की IP देनी होगी। तो मैं मान लीजिए किसी दूसरे सिस्टम की यहाँ पे IP दे देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड में मेटास्प्लॉट रन किया तो मैं उसी की यहाँ पे IP दे देता हूँ। तो ये देखिए, मेरी स्कैनिंग स्टैंडर्ड वाली चालू हो गई है। तो ये बहुत ही जल्दी मेरे सिस्टम को स्कैन करके इसका रिजल्ट दे देगी। तो इसको स्कैन होने देते हैं, मैं आपको ऊपर से इसके बारे में कुछ ना कुछ समझाता चलता आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी आप किस भी इंटरफेस का यूज़ करके इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और आपकी यहाँ पे IP एड्रेस वगैरह मिल जाएगी। मेन काम दोस्तों शुरू होता है फाइल को चेक करने का, यहाँ से जो चेकिंग वाला है। अब आपको जितने भी यहाँ पे चेकिंग वाला दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको चेकिंग दिख रहा है, यानी ये हमारे सिस्टम के फाइल्स को चेक कर रहा है। देखिए, यहाँ पे भी फाइल को चेक किया, यहाँ पे भी चेक किया, यहाँ पे अलग अलग टाइप की फाइल को चेक किया। तो सबसे पहले इसने कौन सी फाइल चेक की है, देखिए लिखा हुआ है चेकिंग इफ़ एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन इज अलाउड, यानी अगर हमारे सिस्टम को बाहर से एक्सेस किया जा सकता है तो उस टाइप की फाइल को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली नो लिखा हुआ है, यानी हमारे सिस्टम को एक्सटर्नली एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो दूसरी चेकिंग है, चेकिंग NSSwitch.config, तो इसके अंदर भी आपको वार्निंग वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा ये देखिए थर्ड वाला जो चेकिंग है, चेकिंग फॉर राइटेबल कॉन्फिग फाइल, यानी हमारे सिस्टम की जो भी कॉन्फिग फाइल वगैरह होती है वो राइटेबल है कि नहीं एक्सटर्नली, तो इसके अंदर आपको वार्निंग देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि जो हमारी कॉन्फिग फाइल है इसको एक्सटर्नली कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता। तो मैं नीचे जाके आपको कोई ऐसा दिखाता हूँ जिसके अंदर वार्निंग होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको वार्निंग दिख रही है, यानी कि मेरी इस वाली फाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कौन सी फाइल है, चेकिंग सूडो कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो मेरी सूडो से रिलेटेड फाइल या प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको मैं यहाँ से फिक्स वगैरह कर सकता हूँ। अब अलग अलग टाइप की फाइल को फिक्स करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको नेटवर्किंग का, प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो इन सब वार्निंग्स को काफ़ी आप इजीली से फिक्स वगैरह कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने सिस्टम को समय समय पे अपडेट वगैरह करते रहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपका सिस्टम काफ़ी लंबे समय से अपडेट वगैरह नहीं है तो उसके अंदर की फाइल करप्ट वगैरह हो जाती है। अगर दोस्तों आप किसी थर्ड पर्सन एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में ऐसी फाइलें छोड़ के चली जाती हैं
जो हमारे सिस्टम का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को या किसी दूसरे यूज़र को दे देती है। तो हमेशा किसी वैलिड वेबसाइट से ही एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड वगैरह करिएगा। अगर आप थर्ड पर्सन का यानी थर्ड पार्टी का यूज़ करके अपने सिस्टम में एप्लीकेशन को या फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम के एक्सेस थर्ड पर्सन को दे सकती है। तो या तो अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अपने डिवाइस को हमेशा अपडेट रखिए और उसके अंदर की जो भी फाइल वगैरह होगी आप केवल ट्रस्टेड साइट से ही डाउनलोड वगैरह करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको वार्निंग दिखने के मिल रही है, मतलब इसमें कोई ना कोई कमजोरी है जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आप और भी नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को चेकिंग मिली, चेकिंग कॉन जॉब्स प्रोग्राम फाइल, यानी मेरे सिस्टम में अलग अलग टाइप की जो प्रोग्राम्स की फाइल वगैरह होगी उसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे यहाँ पे वार्निंग दिखने को मिल जाता। मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ तो ये सब मेरा ठीक लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो चेकिंग फॉर GPG एजेंट्स, तो यहाँ पे देखिए मुझे वार्निंग देखने को मिल गई, यानी मेरी इस वाले प्रोग्राम में या फाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ वार्निंग देखने को मिल गया। इसी तरह दोस्तों आप पूरा नीचे तक जाते रहेंगे तो अलग अलग टाइप की फाइल, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वार्निंग आपको दिखने को मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरे सिस्टम के जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं अगर उनके अंदर एडिट वगैरह किया जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे इसकी जानकारी है। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब मेरे ये जो प्रोग्राम है उनके अंदर, ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये हमारे सिस्टम में जो प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में उसकी चेकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेकिंग इफ़ रनिंग प्रोग्राम्स आर राइटेबल, यानी हमारे सिस्टम में जो भी प्रोग्राम इस समय रनिंग कंडीशन में है उनके अंदर राइटेबल यानी एडिट वगैरह किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे सिस्टम में रनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे उनकी लिस्ट वगैरह है और वो कहाँ पे इंस्टॉल वगैरह है उसका यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे मुझे वार्निंग के रूप में शो कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे किसी भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, यानी परफेक्ट वगैरह है। अगर प्रॉब्लम होगी तो वार्निंग दिख जाएगी और उस प्रोग्राम का ये देखिए यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, इस पाथ पे जाकर आप उस प्रोग्राम में या फाइल में कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अगर वार्निंग वगैरह है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने सिस्टम के प्रोग्राम्स और फाइल को स्कैन वगैरह कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो उसके पाथ में जा कर के उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट कमांड हो गया जो कि स्टैंडर्ड वाला था। अब दोस्तों जो दूसरा वाला है डिटेल वाला, इसका भी काम दोस्तों सेम इसी तरीके से है, बस आपको और थोड़ा डिटेल में जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं वो भी आपको करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अब आपको वो सेकंड वाला दिखा देता हूँ क्योंकि बस मुझे स्टैंडर्ड के जगह डिटेल ही लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको करके डिटेल लिख लेता हूँ, डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं भी दे सकते हैं, अगर आईपी एड्रेस नहीं देंगे तो ये आपके सिस्टम की आईपी ले लेगा, अगर दूसरे सिस्टम को अगर आपको चेक करना है तो उसको आईपी आपको देनी पड़ेगी। इतना लिखने के बाद आप एंटर मारेंगे तो देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही मिलेगी क्योंकि ये डिटेल में आपकी स्कैनिंग कर रहा है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम वगैरह लग सकता है, लेकिन दोनों का दोस्तों मेरा काम वही है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सेम चीज़ मैं आपको दोबारा बताऊँगा, केवल आप जाके देख लीजिएगा, चीज़ वही है। आपके अलग अलग टाइप की फाइल को यहाँ पे बस चेक किया जा रहा है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो आपको वार्निंग के रूप में उस फाइल के नीचे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये यूनिक्स प्रीफिक्स चेक वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन जानकारी थी लगभग मैंने सभी बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।